नमस्ते दोस्तों, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के बारे में कई सारे व्यूअर्स ने हमको क्वेश्चन पूछा है और मैं आज यह वीडियो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लेके आया हूँ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के ऊपर। देखिए, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एक एडिटिव इफेक्ट है जो हम ACL सर्जरीज में आजकल करते हैं। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का अर्थ नहीं है कि ACL में ग्राफ्ट की जगह पे फाइबर टेप लगाया जाएगा, अपितु इसका अर्थ यह है कि ग्राफ्ट को बचाने के लिए, ग्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए हम फाइबर टेप का प्रयोग करेंगे। तो अगर कोई व्यूअर हमसे पूछता है कि क्या आप ACL फाइबर टेप से करते हो, तो यह गलत बात है। ACL के लिए हम आपकी बॉडी का ही ग्राफ्ट यूज करते हैं, परंतु उसको सपोर्ट देने के लिए हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का रिक्वायरमेंट देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कई सारे व्यूअर्स कि क्या फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के क्या फायदे हैं और इसको लगाने से हमारे शरीर में या हमारे ग्राफ्ट में क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एक तरह से एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है और सीट बेल्ट इफेक्ट के चलते यह ग्राफ्ट के रीरप्चर्स मतलब ग्राफ्ट को पुनः टूटने से रोकता है और हम इसके साथ साथ जो रिकवरी और रिहैबिलिटेशन है वो जल्दी शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी हमने सर्जरी करी है, ACL सर्जरी करी और बाकी कोई आपके घुटने में गद्दी की है, कोई और चोट नहीं है, तो हम खेलने कूदने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आपको जल्द से जल्द अलाउ कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही जरूरी चीज है समझने की कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस जो होता है वह हमें रिकवरी में थोड़ी स्पीड देता है और रीरप्चर्स मतलब ग्राफ्ट को पुनः टूटने से बचाता है। एक और कई सारे जो लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, कोई भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई भी इम्प्लांट यूज करते हैं, तो उसके बॉडी में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि कोई भी अगर हम दवाई लेते हैं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, तो ऐसा ही फॉरेन बॉडी रिएक्शन किसी किसी पेशेंट में हो सकता है, परंतु ये बहुत ही रेयर है। हमने अपनी एक्टिव प्रैक्टिस में हजारों केस इंटरनल ब्रेस के साथ किए हैं और उसमें बहुत ही किसी एक या दो मरीज में जो फॉरेन बॉडी रिएक्शन है वह इसके साथ हो सकता है। एक और सवाल जो काफी सारे प्रश्न हमसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब इन्फेक्शन का रिस्क फाइबर टेप से बढ़ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जितने पेशेंट्स का सर्जरी किया है उसमें पहले हम जो सर्जरी है वो बिना फाइबर टेप के करते थे और अब हम फाइबर टेप के साथ करते हैं, तो हमारी इन्फेक्शन रेट्स ऑलमोस्ट सेम है। पहले जितने होते थे उतने ही अभी भी होते हैं, तो इन्फेक्शन रेट जो है वो फाइबर टेप के साथ बढ़ती नहीं है। फॉरेन बॉडी रिएक्शन जरूर किसी किसी मतलब 0.1% पेशेंट्स में आ सकता है, परंतु वह भी बहुत बहुत रेयर है, इतना कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि फाइबर टेप लगवाने के फायदे आज की डेट में साइंटिफिकली ज्यादा है और नुकसान जो है वो बहुत कम है। और हमसे कई सारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है कि फाइबर टेप जो है वो आइडियली किस साइज की होनी चाहिए और किस तरह के इम्प्लांट्स हमको यूज करना चाहिए। तो जो फाइबर टेप है यह जो है एक UHMWP अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथिलीन फाइबर का बना होता है। इसकी जो विड्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो हम करीबन कई बार 7 मिलीमीटर्स, 9 मिलीमीटर्स और 11 मिलीमीटर्स की थिकनेस वाली जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये ये जो है हमारे पास अलग अलग डायमेंशंस की आ सकती हैं और अलग अलग सर्जन के साथ सर्जिकल टेक्निक इसकी डिफरेंट हो सकती है। तो कई सारे सर्जन जो होते हैं वो इसको बटन के साथ लूप करना पसंद करते हैं, तो हम इसको नॉर्मली बटन के साथ लूप करते हैं, और कई जो सर्जन होते हैं वो जो ग्राफ्ट होता है उसके साथ लूप करना पसंद करते हैं। तो दोनों ही तरह से किया जा सकता है, फाइबर टेप को बटन के अंदर से भी पिरोया जा सकता है और दूसरा ग्राफ्ट के अंदर से भी पिरोया जा सकता है, परंतु हम पर्सनली जो है वो उसको बटन के अंदर से पिरोना पसंद करते हैं, जिससे जो उसका स्ट्रेंथ है वो अधिक रहे और उसका जो रीरप्चर रेट है मतलब वो ग्राफ्ट जो फाइबर टेप टूटने का जो चांस रहे वो काफी कम रहे। धन्यवाद।